हाय गाइस, क्या आपका बजट 65,000 तक के अराउंड है और आप इस प्राइस रेंज में डेल का एक पावरफुल परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं और वो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, तो आज मैं आपको डेल के वोस्ट्रो 5620 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, जिसका मॉडल नंबर है D552272। और गाइस, डेल का ये मॉडल इंटेल के 12th जनरेशन के कोर i5 प्रोसेसर, लेटेस्ट OS वर्जन एंड 16 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है, जिससे आपको इस लैपटॉप में प्रोग्रामिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या ऑफिस से रिलेटेड वर्क के लिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको डेल के इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यह लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगा या नहीं। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। इस लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट 12th जनरेशन का कोर i5 1240p प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है और ये प्रोसेसर 12 कोर्स और 16 थ्रेड्स का रहने वाला है। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि इंटेल के 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स में कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक परफॉर्मेंस कोर्स और दूसरा एफिशिएंट कोर्स, जिससे इस प्रोसेसर के कोर्स एंड फ्रिक्वेंसीज में भी डिफरेंस रहेगा। परफॉर्मेंस कोर्स में आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं और इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1.7 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज तक ही रहेगी, जबकि एफिशिएंट कोर्स में आपको 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे और इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.3 गीगाहर्ट्ज तक ही रहेगी, जो लैपटॉप की सिंगल एंड मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देंगे। और आप इस लैपटॉप को प्रोग्रामिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको 1080 पिक्सल्स पर वीडियो एडिटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ आप इस लैपटॉप को MS ऑफिस में प्रेजेंटेशंस बनाने या अदर ऑफिस वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी गाइस, आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और आप इसमें अपने सभी तरीके के टास्क फास्ट एंड स्मूथली कर सकेंगे। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप में इंटेल का UHD iGPU का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप इसमें 720 पिक्सल्स पर कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं और इसी के साथ आप इस लैपटॉप में ऑटोकैड और ब्लेंडर के जैसे सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पर गाइस, बता दूं, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए आप इस लैपटॉप को हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर ना करें, क्योंकि आपको इसमें डेडिकेटेड GPU का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और मेमोरी की बात करूं तो डेल के इस लैपटॉप में हाइनेक्स कंपनी की 512 GB की NVMe M.2 Gen 3 SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे इस लैपटॉप की रीड एंड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी। और गाइस, आप इसमें चाहो तो स्टोरेज को 2 TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और रैम की बात करें तो इसमें 8 GB की 3200 MHz की क्लॉक स्पीड वाली सिंगल DDR4 रैम मिलती है, जिसे आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसमें प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज देखने को मिल जाती है और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और इसी के साथ आपको इसमें लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 वर्जन का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे लैपटॉप आपके ऑफिस या बिजनेस वर्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल डील रहेगा। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। इसमें 16 इंचेस की फुल HD प्लस WVA डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल्स तक का रहेगा और आपको इसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% तक का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के रहने वाले हैं, जिससे डिस्प्ले आपके इंडोर यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया डील रहेगा। और गाइस, बता दूं, इसके डिस्प्ले में एंटी ग्लेयर कोटिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आपको इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और डिज़ाइन की बात करूँ तो डेल के इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम सा लगता है और लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और यह लैपटॉप एल्यूमिनियम बिल्ट में आता है। और लैपटॉप के टॉप पैनल पर डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.91 kg है और ये लैपटॉप टाइटन ग्रे कलर में आता है।
और वेबकैम के बारे में बताऊँ तो इसमें फुल HD वेबकैम प्रोवाइड करवाया गया है और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ। और इसके स्पीकर्स की बात करें तो आपको डेल के इस लैपटॉप में 2 वॉट के डुअल स्पीकर्स का सेटअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँ तो आपको डेल के इस लैपटॉप पे बिल्ट इन वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफ़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में फुल साइज का बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है और वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ। कीबोर्ड के कीज के बीच की अलाइनमेंट काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफ़ी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। और बैकलेट कीबोर्ड के साथ आप इस लैपटॉप को नाइट में भी यूज़ कर सकेंगे। और गाइस बता दूं, इस लैपटॉप के पावर बटन में फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन भी दिया गया है और फिंगरप्रिंट रीडर का रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है। और चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में। इस लैपटॉप में 4 सेल्स वाली 50 वॉट की लिथियम बैटरी दी गई है, जिससे आपको इस लैपटॉप में 4 to 5 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो इस लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB Type-A पोर्ट एंड 1 USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के राइट हैंड साइड में 1 microSD कार्ड का स्लॉट, 1 Ethernet पोर्ट, 1 USB Type-A पोर्ट एंड 1 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। डेल का यह लैपटॉप एडिटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो या आपके ऑफिस से रिलेटिव वर्क के लिए काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप है। और इस लैपटॉप में 65,000 तक की प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें 16 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और इसमें इंटेल का 12th जनरेशन का कोर i5 CPU देखने को मिलता है और इसमें स्टोरेज एंड रैम दोनों को एक्सपेंड करने का ऑप्शन दिया गया है। और इसमें विंडोज़ 11 होम प्लस लेटेस्ट MS ऑफिस देखने को मिल जाता है। और हमें इस लैपटॉप में बैकलेट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर के जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। और आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरीके का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और डेल के इस लैपटॉप पर पूरे 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। आप इसमें 6 से 8 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में डेल का ये लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 65,000 रुपीज़ और आप इस लैपटॉप को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा। और यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं।